युवा तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में घेगांव में होने वाले 108 कुंडी यज्ञ को लेकर प्रचार प्रसार घर घर किया जा रहा है, जिसमें शक्ति कलश एक दूसरे के घर ले जाया जाता है और फिर उस घर पर दीप यज्ञ कर 108 कुंडीय यज्ञ में समयदान अंशदान को लेकर प्रेरित किया जाता है। सेगांव नगर में भी करीब एक पखवाड़े में लगभग 100 से ज्यादा घरों में दीप यज्ञ हो चुका है। वहीं गायत्री परिवार मुख्य ट्रस्टी भागीरथ मंडलोई ने बताया कि 1 मार्च को भव्य व विशाल कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, उसको लेकर गायत्री परिवार द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 1 मार्च को प्रातः 8 बजे सेगांव के प्रसिद्ध देवी श्री लालभाई फुलबाई माताजी मंदिर से घेगांव तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें गांव सहित आसपास ग्रामों के लोग शामिल होंगे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? 108 कुंडी यज्ञ चल रहा है घेगांव में, उसके घर घर, उसके निमित्त घर घर दीप यज्ञ चल रहा है। ठीक है भैया, आने वाली 1 तारीख को 1 से 4 तक घेगांव में गायत्री यज्ञ 108 कुंडी यज्ञ होने वाला है। उसके लिए हर गांव में हर घर जाके दीप यज्ञ की तैयारी करके उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है। क्या नाम लिखते आप? सोहन पटेल। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। अवसर है देवग्राम घेगांव में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ का। आप सभी उस यज्ञ में पधारे और अपने जीवन को सुखी समुन्नत बनाए। सारे क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना को लेकर सब और सुख शांति व्याप्त हो, इस निमित्त देवग्राम घेगांव में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।